श्रीनगर शहर के जीवन में कल शाम आईआरपी की बस पर आतंकियों ने हमला किया और इस हमले में 3 पुलिस कर्मियों ने वीरगति प्राप्त की। शहादत प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मियों में गांदरबल के यचमा कंगन के रमीज अहमद भी थे। आज गांदरबल पुलिस लाइन में पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव भेजा गया। यहां पर वीर सपूत के दर्शनों के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। आंसू और सिसकियों के बीच गांव के वीर सपूत को आखिरी श्रद्धांजलि दी गई। परिवार की बात करें तो रमीज अपने पीछे अपने बीमार पिता और 3 बहनों को छोड़ गए हैं। रमीज अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे और आज इनकी शहादत के बाद परिवार अपनी नम आंखों से यही सवाल कर रहा था कि क्यों दहशतगर्दों ने ये जुल्म किया। गांव में सुबह से यहां पर हजारों की तादाद में लोग थे, छोटे बच्चे। ये शराफत का भी हद होता है, मगर ये कितना शरीफ और नफस बेटा था, कितना बच्चा ये शरीफ था। इन्होंने गुर्बत में इसके माँ बाप ने इसको पाला था। अभी पता नहीं 2 साल तीसरा साल था इसको सर्विस कर रहा था, 2 साल हो गया सर्विस कर रहा था। अभी मुश्किल से इसका माँ बाप मतलब जैसे कुछ ये इनको सहारा मिल गया था, क्या करेंगे। कितने जवान यहाँ से मतलब फोन खराब है, कितना हो रहा है। हम गुजारिश कर रहे हैं ताकि पार से भी यहाँ से भी हर किसी साइड से किसी भी तरफ ये खून खराब आप बंद कीजिए। कोई फर्क ना पाकिस्तान को पड़ जाती है ना हिंदुस्तान को पड़ जाती है। अगर यहाँ का खून हिंदुस्तान को पड़ जाती है, अगर यहाँ का खून खराब हो रहा है, वो यहाँ के बहनों से भाई बिछड़ जाता है, बाप से बेटा बिछड़ जाता है। हमारी गुजारिश है खुदा रहा अगर हुकूमत कुछ फैसला करे ताकि यहाँ का ये खून खराब बंद हो जाए। बंद बहुत हो, आप 30 साल से देखा आपने क्या हो रहा है। और ये बेचारे वहाँ से बस में इनको भरा था, कौन सी बस में कौन सी इसके पास कौन सी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी। ये चौथा हमला सुनने में आया है, चौथे बार वहाँ पर जवान में हमला हुआ है, ये चौथा बार वहाँ पर हमला हुआ है। क्या सिविल बसों में इनको भरते हैं वो बेड की तरफ और इनको अटैक हो गया। कितना सस्ता है हमारे जवानों का खून, हमारी गुजारिश है। वीर सपूत की शहादत को आखिरी सलामी देने आसपास के गांव से बड़े बूढ़े महिलाएं बच्चे तक पहुंचे और ये साबित किया कि देश के वीर सपूतों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और उम्मीद है कि जल्द उन आतंकियों को ढेर कर इन वीर सपूतों की शहादत का बदला लिया जाएगा। इंतकाल हो गया है तो इस हवाले से बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप। 4 बजे 2 मिनट से मेरे साथ बात की, मैंने कहा आप कहाँ हो, मैं ड्यूटी पर हूँ, वापस जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी में हूँ, बाद में घर पहुँच कर आपको फ़ोन करूँगा। क्योंकि इतने में मैं जब घर पहुँचा शायद 5:45 का टाइम था, फ़ोन स्विच ऑफ कर रहा था। उसके बाद क्या शायद मैंने कि घर को कुछ काम कर रहा था, उसके बाद मैं आया, मैं घर में बैठा तकरीबन 7:15 बजे इसी जगह पर आया मेरे साहब। उसने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा वाका है आपका कोई, मैंने बोला नहीं, ये इसी अरसे में वो फ़ोन जो स्विच ऑफ था इसका उसे कॉल आई मेरी बीवी के, ऐसा हादसा हुआ। हम उठ के उस वक्त चले गए, फिर उन्होंने हमने पूछा इनसे कि कहाँ पर है, इन्होंने बोला जॉइंट अस्पताल। क्या हम यहाँ जब इसमें गुलाबा पहुँच गए, दरगाह के करीब पहुँच गए हम, इन्होंने कहा नहीं जॉइंट अस्पताल आप नहीं है, वहाँ से उसको रेफर कर दिया आर्मी अस्पताल कंटेनमेंट में। उसके बाद हम चले गए वहाँ, हम रात के 2 बजे थे फिर ना हमने इसका मुँह देखा ना हमें कुछ पता है कि अंदर क्या कर रही थी। उन्होंने बोला इसकी सर्जरी हो रही है, 2 लड़के हैं ये सर्जरी हो रही है। 2 बजे उन्होंने बोला कि आप चले जाओ, इस वक्त क्या करोगे, कल सवेरे 6 बजे गेट खुलेंगे उसके बाद आ जाना। जब हम सुबह सवेरे गए, सवेरे जाने से पहले उन्होंने फ़ोन किया कि हाँ किसी कागज को दस्तखत करना है इसका। जब वहाँ पहुँचे तो हम रास्ते में पता चला कि रास्ते में आपको पता ठीक नहीं है, ऐसे अंदाज़ा था उनकी बातों का कि शुक्रिया।